ये क्या कर दिया मैंने परी? मार डाला तुम्हें, बहुत गलत हो गया मुझसे। मैं दोषी हूं, मैं खूनी हूं परी का। मैं तुम्हें फोन में बोला था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस दुपट्टे से ना अपने हाथ बांध के इस रूम में पड़ा रहा हूं। यही चाहती हो ना तुम? यही चाहती हो ना? मैं ऐसे क्यों चाहूंगी? फिर दोबारा वही। कौन कह रहा है अमृतसर जाने के लिए? वो एक्चुअली मेरे बॉस का कॉल आया था ना, वो अभी अभी पंजाब में नए आए हैं, तो उनको यहाँ का ज्यादा कुछ पता नहीं, तो मुझे कह रहे थे कि साथ में दर्शन करने चलते हैं अमृतसर। सर आप बॉडी देख लीजिए, 3 घंटे से यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ी देर में सड़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे धोखेबाज का साथ में कभी नहीं दूंगी। ये लाइट को क्या हो गया? सर मैं देख के आती हूँ लाइट को क्या हुआ है। तुमने क्या कर लिया परी? तुम एटलीस्ट मुझसे बात तो करनी चाहिए थी, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते, लेकिन ये कैसा सोल्यूशन हुआ? तुमने मुझसे बात भी नहीं करी, पर उससे पहले ही राजीव मैंने जो कुछ भी किया ना बिल्कुल सही किया। एक बीवी जिसका पति उससे प्यार नहीं करता, जिसकी शादी एक धोखा थी, जो अपने पति के साथ उसके घर में तो रही लेकिन उसके पति के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, वो पत्नी मरेगी नहीं तो क्या करेगी? क्या करती मैं राजी? और अगर मैं जिंदा होती तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो तुम्हें होती ना, पर अब तो तुम पूरी तरह से आजाद हो, अब तुम्हें हर रोज नए बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे, कोई नया झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम खुश रहो। अब तुम खुश हो ना? मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए परी, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है, और ये जो गिल्ट है ना, ये मुझे अंदर ही अंदर मारे जा रहा है परी। तुमने कभी सोचा तुम्हारी नफरत ने मुझे कितना मारा है? मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तुमसे कभी नफरत भी नहीं की परी। तुम्हारी ये सादगी, तुम्हारी ये सच्चाई हमेशा मुझे अच्छी लगी, और तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए परी के। और तुमने जो किया वो तुम्हें करना चाहिए था। रहने दो राशि, तुम मेरी चिंता छोड़ो, अब तुम नीति को खुश रखना, उसे कभी धोखा मत देना। माफ कर दो, परी, परी कहाँ तुम? परी, सॉरी सर, सर आप बॉडी आइडेंटिफाई कर लीजिए। सर ये वही है जिन्हें आप ढूंढ रहे थे? नहीं, ये परी नहीं है। थैंक गॉड सर, आई होप आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो जिंदा हो।
सर आप यहाँ से बाहर निकल जाइए सर। अरे चंद्रिका, चंद्रिका मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, मैंने तुम्हें, तुम नाराज क्यों हो रही हो? जो सुनाना ना अपनी मम्मी जी को जाके सुनाना, उनके सामने तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है ना, और कितना कितना तुम मुझे सुना देते हो। लेकिन मैंने तुम्हें क्या सुनाया, मैंने तो इतना ही कहा ना कि माँ से ऐसे बहस नहीं करते। हाँ, तुम माँ से बहस नहीं कर सकते, ताई जी से तुम बात नहीं कर सकते, और तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो। मेरे सामने ना तुम्हारी जुबान बुलेट ट्रेन की तरह चलती है। तुम्हारी इस चुप्पी की वजह से ना आज घर पे मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है अमित। हर कोई आता है, चार बातें सुनाकर मुझे चला जाता है। सिमिति भी पता नहीं क्या क्या बोलकर चली जाती है मुझे, पर तुमने आज तक कभी उन्हें टोका? कभी टोका तुमने? नहीं ना, तुम ना सिर्फ मेरे आगे शेर बनते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे चंद्रिका सुनो मेरी बात, समझो तो सही। मैं हर बार मैं ही क्यों समझूं अमित, ऐसे मैंने क्या गलत बोल दिया बताओ? तुम्हारी मम्मी जी ने परी के साथ पता नहीं क्या क्या नहीं किया है। पता नहीं बेचारी परी अभी अभी जिंदा भी है या उसे कुछ हो? कुछ नहीं होगा उसको, डोंट थिंक नेगेटिव, वो ठीक है। देखो अमित, मेरा अभी बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ, इससे पहले हमारी लड़ाई हो जाए। अरे चंद्रिका तुम ऐसी बातें मत करो। क्या तुम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। एक काम करो, तुम ना अपनी मम्मी जी के पास जाओ, उनके ना पैर दबाओ। मेरे साथ खड़े होकर लड़ते हुए ना उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो गया होगा, है कि नहीं? चंद्रिका प्लीज जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। हाँ बोल रही हूँ मैं ज्यादा, और क्यों ना बोलूं? तुम्हारी तरह ना गलत बात पर मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। हमें जब बड़े गलत होते हैं ना, तो उन्हें एहसास दिलाना हमारा फर्ज होता है, और तुम चुप रह के ना कोई महान इंसान नहीं बन गए, बल्कि अपने आप को ही बेवकूफ बना के रखा है तुमने। जब पूरा परिवार परी के साथ था, तुमने तो भी अपनी माँ का ही साथ दी। इनफैक्ट तुमने मुझे भी गलत साबित कर दी। एक काम करो, अब तुम अकेले रहो यहाँ पे, और मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे चंद्रिका, चंद्रिका बात प्लीज अमित। अगर परी भाभी को कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता हम सबका। आंटी पता चला है कि परी घर छोड़ने के बाद यहाँ निकी से मिलने आई थी। मतलब परी भाभी शायद? हो सकता है शायद। कुछ करने से पहले वो लास्ट टाइम नीति से मिलने आई हो। नहीं नहीं वीरे, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब पॉजिटिव सोचो। परी भाभी ऐसा कभी गलत नहीं करेगी, हम श्योर वो ठीक होगी। देखना हमें जल्द से जल्द मिल जाएगी, और पुलिस भी तो ढूंढ रही है ना। पॉजिटिव रहो वीरे। करूँ पॉजिटिव रह के मोंटी, क्या करूं? कोई रिजल्ट आया पॉजिटिव? नहीं आया ना, उसका कोई अता पता ही नहीं है यार। इतनी रात को चंडीगढ़ में कहां होगी, कैसी होगी? उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं है नीति के अलावा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार मोंटी, वी हैव टू डू समथिंग, कुछ कुछ करना पड़ेगा यार। हाँ वीरे आप टेंशन मत लो, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को कॉल करके उनसे अपडेट लेता हूं। हेलो जी, मैं आता हूँ। ओके। क्या हुआ वीरे, किसका कॉल था? नीति के लिए कुछ मेडिसिन ऑर्डर की थी, वो आ गई हैं, वो लेके आता हूँ मैं। प्लीज आप दवाई जल्दी लेके आ जाओ, घर पे महाभारत टाइप यूज चल रहा है, मम्मी और चाची में से कौन क्या करे पता नहीं, प्लीज जल्दी आ जाना। ठीक है दवाई लेके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है। बाबा जी मम्मी और चाची की महाभारत खत्म कर दो, वरना उन दोनों के चक्कर में मेरा और राजीव वीरे का रिश्ता कहीं खराब ना हो जाए। मम्मी, ये होया जी, क्यों नींद से जगा रहे हैं मैंनू? नींद से? कब से देख रहा हूं, बस करवटें लिए जा रही है तू, एक सेकंड के लिए भी ना आंख नहीं झपकी है तूने। मुझसे झूठ बोल रही है? बता बता क्यों परेशान है? परी को लेके परेशान है ना, है ना? तो तुझे एक बात पता, तेरे परेशान होने से कुछ फायदा होगा?
नहीं ना, ये ले। देख पुलिस उसे ढूंढ रही है, माता रानी पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। आप कुछ सही नहीं हो सकता इस घर में। परी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। गुरिंदर ने मेरा जीना भी हराम कर दिया इस घर में। आज उसने जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो गई हूँ। अरे कब साथ नहीं दिया मैंने उसका, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने उसके नाल? हाँ कौन सा हक मार लिया मैंने उसका जो इतना कुछ सुना गई वो, जबकि उसने इतनी सारी गलतियां की लेकिन फिर भी हमने उसे अपना लिया। नहीं मम्मी, मम्मी तो जानती है गुरिंदर कैसी है, उसकी बातों का बुरा क्यों मान रही है? देख देख उसकी बातों को दिल पे मत लगा। आज उसने मेरा दिल तोड़ देता। उसने राजीव को मरा बनाकर जो परी दे नाल किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। थोड़ी सी जमीन और इज्जत के वास्ते उसने तीन जिंदगियों को बर्बाद कर दी। ना हमारे मान सम्मान के बारे में सोचा, ना कुछ, और जरा सी भी शर्म नहीं उसके अखा विच। मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही, मेरे ऊपर, अपनी गलतियों को छुपाने के वास्ते। मम्मी, मम्मी गुरिंदर ना इस घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे घर से तो नहीं निकाल सकते ना। तो उसकी बातों को ना अपने दिल से बाहर निकाल। निकालूंगी उसकी बातों को भी और उसे भी, मम्मी इस कार से भी और मेरे दिल से भी। मम्मी देख, मम्मी मम्मी नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ, बदसुलूकी और बदजुबानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला नहीं, है। अरे पम्मी, पम्मी रुक, पम्मी, पम्मी रुक, पम्मी कितने जा रही है तू? पम्मी रुक तू। Excuse me, nurse. Yes. ये नीति की medicines. इसमें उनके नींद के इंजेक्शन है ना? हाँ जी हैं। हाँ। अच्छा नर्स, ये नीति को बार बार ये इंजेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि वो नींद में रहे, होश में आते ही वो अपनी दोस्त परी से मिलने की जिद करती रहती हैं, और परी मैम उनसे मिलने नहीं आई हैं। परी मिलने नहीं आई? लेकिन परी तो नीति से मिलने हॉस्पिटल आई थी। हाँ आई थी, लेकिन तब नीति मैम गहरी नींद में थी और इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा नर्स, ये नीति को बार बार पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं? कहीं सर्जरी की वजह से तो नहीं? उसके बारे में तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, या फिर वो सिस्टर जो दिन में ड्यूटी पर थी। मुझे तो बस यहाँ इमरजेंसी में मेडिसिन्स रखने के लिए कहा गया है। तो अभी वो नर्स कहाँ मिलेंगी? उनकी ड्यूटी तो ओवर हो चुकी है, अब वो सुबह 7 बजे ही आएंगी। ओके थैंक यू नर्स। आप प्लीज़ नीति मैम के साथ ही रहिए, उन्हें अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि फैमिली मेम्बर का उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और उन्हें संभालने के लिए किसी एक को तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ओके। क्या हुआ वीरे? देख मोंटी, काम कर तू, नीति के पास रुक, मैं परी को ढूंढने जाता हूँ। वीरे अगर घर पे पता चला हम दोनों यहाँ है तो बवाल हो जाएगा, अब हमें घर चलना चाहिए ना। यार लेकिन परी को ढूंढना भी तो इम्पोर्टेंट है, तू यहीं पे रुक, मैं आता हूँ, है ना? वीरे आप परी भाभी को ढूंढोगे कहाँ? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, बस यार वो मिल जाए। मैं जाता हूँ। तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना, वैसे भी नीति भाभी सो रही है। नहीं नहीं आंटी, तुम सुनो ना उसने क्या बोला, उसके साथ किसी एक का होना जरूरी है, मैं बस परी को ढूंढ के वापस आता हूँ, तो रुक। अब फिर एक बात पूछूं? वो जल्दी पूछ। आपको परी और नीति भाभी में से एक्चुअली चाहिए कौन? नीति भाभी की सर्जरी के वक्त जैसा आपका हाल था अभी वैसा ही है, आई थिंक आपके दिल में परी भाभी के लिए। मोंटी बकवास बंद कर, और जितना कहा है ना उतना कर, समझा? आप चाहे कुछ भी कहो, आप प्यार भले नीति भाभी से करो, पर परी भाभी के लिए आपके दिल में कुछ तो फीलिंग्स हैं, आप एक्सेप्ट करो या ना करो। मोंटी देख, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तू सोच रहा है। हाँ वो गिल्ट ने मुझे बेचैन किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं नीति से प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। देख मोंटी, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी गलतियों की सज़ा परी को मिले। वो सेफ रहे, वो जहाँ भी रहे सेफ रहे बस, और उसका लाइफ में जो भी डिसीजन है ना वो ले, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मोंटी, मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपने तरीके से जी है, लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहा ना किया, स्पेशली परी का तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी और परी की शादी की वजह से मेरी मम्मी को खोई हुई रिस्पेक्ट वापस मिली, इसलिए मैं नहीं चाहता कि परी के साथ कुछ भी बुरा हो,
आई होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज नीति का ध्यान रखियो। मैं आता हूँ। वीरे चाहे कितने भी सफाई दे पर उनके दिल में परी भाभी को लेके गिल्ड के साथ साथ कुछ और भी है, वरना सिर्फ गिल्ड के लिए वो अपने प्यार नीति को छोड़ के कभी नहीं जाते। की गल हो गई है अब? हाँ, सोते से जगा दिया मुझे। तेरी ताई जी नु क्या दिक्कत है मुझसे? दिक्कत मैनू तेरे से है गुरिंदर। माँ ताई जी गुस्से में, आप बस शांत रहिएगा, ठीक है? बहुत रहली शांत, आज तो इन्होंने शांत करूंगी। की दिक्कत है बोलिए, अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है या और जलील करना बाकी है? जलील तो तूने मैनू किया है, एक जेठानी होने का क्या फर्ज नहीं निभाया मैंने? सब कुछ किया तेरे वास्ते, तेरे बच्चों को की परवरिश करने से लेकर तेरे मुसीबत में तेरे नाल खड़े रहना, इन्हें सब एहसानों के बदले में तूने अपने मन में मेरे लिए जहर घोल के रखा है। मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना बुरा सोचती है तू? हाँ, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत थोड़ी खराब। तू बीच में मत बोल, आज बोलने दे मैनू। हाँ, क्या बोला तूने? क्या बोला कि मैं तेरे आड़े आई, मैंने तुझे आगे बढ़ने से रोका? हाँ, तो की गलत कह दी था? आपने हर कदम पे मैनू नीचा दिखाया है, हर कदम पे आपने मेरे साथ अन्याय किया है। इतनी तकलीफ है मेरे से तो रह क्यों रही है यहाँ? कोई हक नहीं है मेरे घर में रहने का। अभी के अभी अपनी बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से मेरे घर से। परछाई जी, अरे हमें रुक, देख राजीव भी आने, राजीव को वापस आने दे, फिर बात करते, फिर कुछ हल निकालते हैं। और ये भी हो सकता है ना कि सुबह तक परी भी मिल जाए तो। अरे परी के वापस आ जाने से इसके पाप माफ नहीं होंगे, क्यों नहीं समझ रहे आप? हमारे यहाँ रहकर इसने हमारे खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र किए। अरे देवर जी के जाने के बाद क्या कुछ नहीं किया आपने, मैंने, सबने इसके लिए और इसके परिवार के लिए सब कुछ बुलाकर इसने हमें ही अपना दुश्मन बना लिया। इसलिए इसे यहाँ से निकाल रही हूँ ताकि ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। यहाँ पर रहकर हमारे अन्याय सहने की कोई जरूरत नहीं है गुरिंदर, जा चली जा यहाँ से, शांति से जी जा। अम्मी, सच बहुत कड़वा होता है ना प्रजाई जी, इसलिए बुरा लग गया ना आपको? आज मेरी जेठानी नहीं मुखियाइन बोल रही है, आईना दिखा दिया ना, इसलिए मिर्ची लग गई है आपको। आपकी सत्ता को कोई ललकारे ना, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है ना। बस कर, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, बस एक शब्द नहीं अभी। मम्मा मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, इतनी रात गए परी को घर से निकल जाने पे मजबूर किया इन्होंने, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं। अगर परी बहू है तो ये भी चाची हैं, इस तरह से इनको घर से निकालना ठीक नहीं होगा। इसकी तरह मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सबके सामने कर रही हूँ और सही कर रही हूँ। पर आप ये गुस्से में कर रहे हो और गुस्से में लिए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। मेरी डिसीजन गलत नहीं है, गलत तो राजीव और ये गुरिंदर है, और जब तक ये लोग इस घर में रहेंगे ना यहाँ कुछ सही नहीं होने वाला। इसलिए कोई कुछ भी कहे मैं इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, अभी के अभी निकल जाए यहाँ से बस। जी अब की करा, इन्नी रात को कहाँ जाऊंगी? मजबूरी ते कधे नु भी बाप बनाना पड़ता है, अब यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। परजाई जी मैनु माफ कर दो, गलती हो गई है मेरे से, मैं बहुत बुरी हूँ, पता नहीं क्या क्या कह देता है मैंने आपको। आपने तो ना हमेशा मुझे छोटी बहन की तरह समझा है, हमेशा मेरी मदद की है। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने आपको इतना उल्टा सीधा कह दिया। आप तो बड़ी हो ना, तो मैंने माफ कर दो, भूल जाओ कि मैंने क्या कहा आपको। ऐसे ऐसे रात को मैं कहाँ जाऊंगी, सुबह तक रुक जाने दीजिए, क्या क्या पता परी का पता लग जाए। और वैसे भी आपकी तबीयत खराब है ना, आप जाके आराम कर लो। हाँ, मैनू आराम तब मिलेगा जब तू और राजीव इस कार से बाहर जाएंगे। नाटक कर रही है माफी मांगने का, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, तेरे बातों में नहीं आने वाली मैं। नहीं परचाई जी, तेनू लगता है मैंने तेरे साथ बुरा किया ना, तेनू आगे बढ़ने से रोका मैंने, तो चल
पूरा मैदान खाली देती हूँ, जा, जितना आगे बढ़ना है बढ़, जो करना है कर, लेकिन इस कार से अभी इसी वक्त निकल जा। नहीं प्रजाई जी, ऐसी बात नहीं है, मैं कह तो रही हूँ कि गलती हो गई है मेरे से, तो ऐसे नहीं मारेंगे। प्रजाई आज तो रोक लो प्रजाई जी, उन्हें समझाओ, अगर आज वो होते तो प्रजाई जी मेरे साथ ऐसा करती नहीं ना, जिसका पति नहीं होता ना उसके साथ ना उसके अपने भी ऐसे ही पराए हो जाते, ऐसे ठुकरा देते जैसे प्रजाई जी ने ठुकरा दिया। अगर अगर आज वो यहाँ होते तो ऐसा ऐसा सुलूक नहीं होता मेरे साथ, ऐसा कोई नहीं करता मेरे साथ। शांत हो जा, क्यों जी गिला कर रही है, वो ताई जी ने तो हमेशा मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी संभाला है, पाला है, पोसा है। नहीं, उन्होंने ना कभी भी मैनू अपना नहीं माना, अगर मानती ना तो सब कुछ भुला के ना मैनू माफ कर देती, पर नहीं नहीं कर रही ना, वो कैसे कह दिया उन्होंने कि कार से बाहर निकल जाओ, मैं नीरज को कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं, बेटा भी साथ नहीं है, बहू भी कार छोड़ के चली गई, पर जय जी ने भी घर से बाहर निकाल दिया, दुनिया दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, हाय रब। कितनी बड़ी नाटकबाजी है, दूसरों को तो खून के आंसू रुला दिए और खुद यहाँ झूठे आंसू बहा रही है। अरे कोई तो समझाओ, सब चुप क्यों है, कोई तो समझाओ परजाई जी नू, प्राजी आप ही बोलो ना, ऐसे ऐसे रात में मुझे घर से बाहर ना निकाले, कहाँ जाऊंगी मैं इतनी रात को, अगर अगर ऐसे मुझे घर से बाहर निकाला ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं उसी पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दूंगी जहाँ परी गई थी, मैं नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। शांत हो जा, मुझे गला नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी, कुछ नहीं होगा, हम ताऊजी को ताऊजी से बात करेंगे, ताऊजी बात करेंगे, ताई समझाएंगे, आप शांत हो जाओ, ताऊजी सब संभालेंगे, ताऊजी परी से मैं प्यार नहीं करता, फिर उसका यहाँ से जाना मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, चाहता तो परी को ढूंढने के लिए मोंटी को भेज सकता था और खुद नीति के पास रुक जाता, पर क्यों नहीं कर पाया ऐसा, क्यों? I'm sorry परी, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो तुमसे उतना ही प्यार करे जितना मैं नीति से करता हूँ। ये रहा तेरा सामान और वो रहा दरवाजा, चल अभी के अभी निकल जाए इस कार से। रहने दीजिए ना मम्मा, प्लीज ऐसे मत करिए, बहुत रात हो गई है। प्रजाई जी ऐसा ना करो, प्रजाई जी ऐसे कार से बाहर ना निकालो, मैं कितने जावांगी, प्रजाई जी ताई जी मम्मा प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी गल सुनिए, मन्ना के माँ से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, आप गुस्सा मत करो। सुना नहीं मैंने क्या कहा गुरेंद्र? प्राजी प्रजाई जी नू समझाओ ना, मैं इन्हीं रात को कितने जावांगी, समझाओ कुछ तो बोलो प्राजी। गुरेंद्र क्या समझाऊं उसे, कि तूने परी के साथ इतना गलत किया है, वो कैसे समझाऊं, हाँ कि उसने तेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला, फिर भी तूने इस पे इल्जाम लगाया, वो कैसे समझाऊं? मैं भी नहीं चाहता कि मेरे घर के दरवाजे मेरे परिवार के लिए बंद हों, पर पम्मी जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। वो गुरेंद्र तू किस मुंह से रिश्तों की बात कर रही है, तुझे रिश्तों के मायने भी पता है? उन्हें थोड़ी सी जमीन के लिए झूठी इज्जत के लिए अपने राजीव को बेच दिया, तूने ये भी नहीं सोचा कि राजीव के बिना परी का क्या होगा, सोचा भी नहीं? तू भी बोल रही थी ना कि अकेली औरत को इस समाज में जीना कितना मुश्किल है, ये बोल रही थी ना, तूने खुद नहीं सोचा कि जब राजीव नहीं होगा तो परी जब अकेली हो जाएगी तो उसका क्या होगा, ये सोचा भी नहीं? नहीं गुरेंद्र, तेरा अकेलापन ना रब की मर्जी थी, पर परी का अकेला होना ना उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार है, सिर्फ तू। गुरेंद्र इज्जत ना जमीन से सोने चांदी से इनसे नहीं बनती, इज्जत बनती है अपने कर्मों से जो तूने बिल्कुल ठीक नहीं की।
ना तू अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी माँ, और ना ही परी के लिए एक अच्छी सास। तूने हर रिश्ते में ना, हर रिश्ते में बस अपना फायदा देखा है, सिर्फ अपना फायदा। वृंदा, जो लोग लालची होते हैं ना, अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार भी ना ऐसे लोगों का साथ छोड़ देता है। फिर अब तक आए क्यों नहीं? कहां था उन्हें जल्दी आना? अगर घर नहीं पहुंचे तो बवाल हो जाएगा, उनके साथ साथ मम्मी मुझे भी बाहर निकाल देगी। नीति भाभी का ध्यान भी देना है, इसलिए घर भी नहीं जा सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कैसे की? एक्चुअली सारी प्रॉब्लम नीति भाभी है ना, ये वीरे की लाइफ में होती ना उनकी वाइफ बनती, आज परी भाभी और वीरे दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता, सब ठीक होता। मेरे सब सोचने से क्या होगा, वीरे की लाइफ है, जैसे चाहे उससे प्यार करे। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो चाची जी ने की है, अगर उन्हें जमीन का लालच ना होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। पता नहीं यार, जमीन नहीं हो गई, बवाल हो गया। वीरे जल्दी आ जाओ ना, आपके साथ साथ मेरी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी, मम्मी चपेट मारेगी वो अलग, प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या कहा था तूने? मैं मुखियाइन हूँ, सारे फैसले अपने मर्जी से लेती हूँ, तो ये भी फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है कुरिंदर। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, तुझे इस घर से जाना होगा अभी इसी वक्त। बस बस अब आप ऐसा नहीं कर सकती परजाई जी। परजाई जी नहीं, मुखियाइन। अच मैं तेनों बताऊंगी कि ये मुखियाइन तेरे जैसों के साथ क्या कर सकती है। राजीव के लिए भी इस घर में अभी कोई जगह नहीं है। तेनो राजीव से मिलना है ना, तो घर से बाहर जाके मिल, और जो खिचड़ी पकानी है तुम दोनों को घर से बाहर जाके पकाना, समझी? मैंने हमेशा तेनो अपनी एक छोटी बहन माना, और तूने मैनु अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। नहीं चाहिए तेरे जैसी घटिया बहन। तुम्हारा लौट कर भी मत आना इस घर की तरफ, और अपने बेटे से भी कह देना अपनी शक्ल यहाँ ना दिखाए। हाथ से तुम लोगों का और हमारा रिश्ता खत्म। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, दरवाजा खोलो। परजाई जी, मैं इन रात को कितने जावांगी? परजाई जी, दरवाजा खोलो, मैंने माफी मांगी तो है आपसे। कितने जावांगी मैं? इंस्पेक्टर का कॉल, शायद परी के बारे में पता चल गया हो। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, परी के बारे में कुछ पता चला? राजीव, कल पूरी रात हमने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन परी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए कुछ और जगह है जहां हम तलाश करने जा रहे हैं, हो सकता है हमें तुम्हारी जरूरत पड़े। ओके सर। आई होप तुम्हें याद है, तुम ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, अभी तुम्हारी पूछताछ भी बाकी है। हाँ जी सर, याद है। सर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज परी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढ लीजिए, उसके बाद आपको जो पूछना है ना आप पूछ लीजिएगा, और परी को जो भी इल्जाम लगाना है मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस बस परी को ढूंढ लीजिए प्लीज। देखो राजीव, अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुमसे पूछताछ की जाए, लेकिन अगर तुम्हें अपनी पत्नी की इतनी परवाह थी तो तुमने दूसरी शादी क्यों की? अगर परी के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके इंस्पेक्टर। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। इतने भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो मिल जाता है। भगवान जी प्लीज परी को वापस घर लौटा दीजिए, इसके साथ कुछ भी गलत मत होने देना प्लीज। जो अपने रूम में आराम करवा, चलेगा।
हेलो अभी तक सिर्फ मां का साथ दे रहा था पर अब तो उनके लिए घर के दरवाजे खोलने जा रहा है कितने हैं परजाई जी बुलाओ नानू इत्थे अब बताती हूं मैं गुरिंदर बाजवा क्या चीज है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फिर से कदम रखने की ये घर सिर्फ आपका ही नहीं है मुखिया इंजी ये कार मेरा भी है मैं भी इस कार की बहू हूँ और अमित ने इस कार का दरवाजा खोल के आप लोगों की इज्जत बचाई है वरना इस कार की मैं पुलिस को लेके आने वाली थी अच्छा मैनू धमकी दे रही है एले ये रहा फोन लगा कॉल पुलिस नु आएंगे तेनु बहू को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाएंगे ले ठीक है कर देती फोन पर मुझसे पहले आपको हथकड़ियां लगेंगी तेरी ये बकवास सुन के ना मैंने अपने पूरे दिन को बर्बाद नहीं करना है इसलिए अपना बोरिया बिस्तर ले और दफा हो जा मेरे कार से मेरा घर आपने कब खरीदा ये घर ये घर केवल आपका नहीं है हमारा भी है हमारा मैं भी कानूनन इस कार की उतनी ही हिस्सेदार हूँ जितनी की आप हैं क्यों चटका लगा तो बड़ी अक्कड़ से कह रही थी कि मेरा घर अब जब मैंने इसे अपना घर कहा तो पैरों थल्ले की जमीन खिसक गई बकवास बंद कर दो बकवास नहीं कर रही हूँ जितना ये घर आपका है उतना ही ये घर मेरा भी है और आप भूल गई हो ना मैं याद दिला दूं जिस जमीन पर ये घर बना है ना वो बाऊजी के नाम थी और गांव में जो जमीन बेचकर ये घर बनाया गया वो भी बाऊजी के नाम थी इसलिए जितना हक प्राजी का इस घर पर है उतना ही राजीव के बाऊजी का भी था इस लिहाज से जितना ये घर आपका और आपके बच्चों का है उतना ही ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है मम्मी जी तो बहुत तेज निकली सारी बाजी पलट दी इन्होंने यहाँ इतना तमाशा हो रहा है और ये राजीव कहाँ है फिर मोंटी भी गायब है अब तक मैं आपसे सिर्फ मिन्नतें करती रही कि मुझे इस घर से मत निकालिए लेकिन अब और नहीं अब इस घर में मेरा भी पूरा हक है जितना ये घर आपका है ना उतना ही ये घर मेरा भी है अब इस घर में जो भी होगा आधा आधा होगा अब मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए मुझे मेरा हिस्सा चाहिए वैसे न्याय की बड़ी गल्ला करती है मुखिया इंजी पर आपने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया है इसलिए मुझे मेरा और मेरे बच्चों का हक आपसे छीनना पड़ रहा है अगर आप पहले दे देती तो राजीव के विवाह में मुझे जमीन ऐसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती आज उस कुड़ी परी के साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं नहीं। जिम्मेदार आप हैं आप अगर बरसों पहले आपने ससुर जी की जमीन में से थोड़ी सी मुझे दे दी होती ना तो ये नौबत नहीं आती तो मुझे मेरे राजीव के ब्याह का सौदा नहीं करना पड़ता माँ छड़ की मुझे गला कर रही है जालंधर बस खबरदार जो बीच में एक शब्द भी बोला तो वरना आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म क्या हुआ प्रजाई जी ऐसे घूर क्या रही है चौक मंगवाइए ताकि हम इस घर का बंटवारा कर सकें बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे अपने हिस्से का अजीब सन की औरत है चाची तो अभी तो लोटस क्रीम से मुंह चमका रहे थे अब बंटवारे की बात करके सबका मुंह लटका दिया फुल ड्रामेबाज और दोगली औरत है ऐसे घूरिए मत प्रजाई जी मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ मैं इसी कार रहूंगी
इस कार के एक हिस्से में, अपने हिस्से में। और हाँ, जब भी आपका मन करे तो आ जाना मुझसे मिलने, चंगी तरिया खातिरदारी करूंगी मैं अपने कार। बस बस कुरिंदर, बस एक मेरी बात सुन। बाजवा खानदान में ना आज तक कभी बंटवारा हुआ है और ना आगे होगा, ये तू समझ ले। समझदार तो आप है प्राची, ऐसी गल्ला करके आप मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हैं और सारी जमीन जायदाद आप अकेले हड़पना चाहते हैं। पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बाजवा खानदान में जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। मैं करांगी एक नई शुरुआत अपने हक की लड़ाई की। आपकी ऐसी गल्ला सुन के ना मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं करांगी। देख रुंदर, बर्बाद मत कर खानदान की इज्जत को, एक बने बनाए परिवार को। मैं कर रही हूँ, मैं खानदान की इज्जत को आपने और परजाई जी ने बर्बाद किया है। इस कार से, मेरे ससुर के कार से, मेरे पति के कार से मैनू धक्के देके बाहर निकाल के। मैं तो बस मिन्नतें करती रही, हाथ जोड़ती रही कि मैनू इस कार से बाहर ना निकालो, पर परजाई जी ने मेरा हाथ पकड़ के इस कार से धक्के देके बाहर निकाला मैनू। तब कहां गई थी आपके खानदान की इज्जत? तब तो कुछ नहीं बोले आप अपनी वोटी नू? बस बहुत हो गया, अब पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते, वहां औरतें खड़ी हैं। बस बड़ों के बीच में आज नहीं, एकदम चुप। अगर आपको तब लग रहा था कि परजाई जी सही हैं, तो आज जो मैं कर रही हूं वो भी सही है। मैनू मेरा हिस्सा दीजिए, परिवार और इज्जत दोनों रहेंगे, पर अपने अपने कारिच। एक मिनट, तू भी आराम से शांति से बात करते हैं। अगर हम शांति से बात करेंगे ना तो कोई रास्ता। बस प्राजी ना, अब सोचने और रास्ता निकालने का वक्त चला गया। मेरे पुत्र और मुझे इस कार से निकालने से पहले आपको रास्ता सोचना चाहिए था। तब तो आपको लग रहा था कि परजाई जी का गुस्सा, उनका फैसला एकदम सही है। आपने ना प्राजी कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा, और आज भी आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ अपना और परजाई जी का फायदा देखते हैं ना प्राजी। बहुत देर हो चुकी है, अब बात नहीं, अब सिर्फ बंटवारा ही एक रास्ता है। इसलिए आज ही वकील को बुलाते हैं इस घरेच, इस कार का बंटवारे के कागज तैयार करने के लिए। आज तक इस खानदान में जो नहीं हुआ वो आज होगा। परमिंदर बाजवा और गुरिंदर बाजवा में बंटवारा। ऐसा मत कर, पूरा परिवार बनाने में ना सालों लग जाते हैं। एक छोटी सी जमीन के लिए रिश्तों को, घर को मत तोड़। वकील मत बुला, तो बिरादरी में हमारी बदनामी होगी, समाज में तेरी भी और हमारी भी क्या इज्जत रह जाएगी। वाह प्राची वाह, वड्डी इज्जत की चिंता हो रही है। जब इस कार की बहू को रात में धक्के देकर सड़क पे फेंक दिया थी, तब कहां गई थी आपकी इज्जत? मेरी इज्जत बची कहां? आप मेरी इज्जत की चिंता मत करो प्राजी, इज्जत की चिंता आप परजाई जी की करो। जब गांव के लोगों को पता लगेगा कि लोगों के कार जोड़ने वाली परमिंदर बाजवा मुखियाइन आज अपने घर को टूटने से बचा नहीं सकी। बस, बस। और तमाशा नहीं है, बहुत सुन लिया मैंने, ये सब कुछ तू पैसे के लिए कर रही है ना? ठीक है, मैं देता हूँ पैसे, एक ब्लैंक चेक देता हूँ, जो रकम भरनी है ना भर ले और जा यहाँ से। ना प्राजी ना, ऐसे दिन नहीं आए मेरे कि मैनू भीख मांगनी पड़े। भीख नहीं, मुझे मेरा अधिकार चाहिए और आज वो मैं लेकर रहूंगी। जब आप लोगों ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो आज मैं क्यों सोचूं आप लोगों के बारे में? अब सब अपना अपना सोचेंगे, आप अपनी वोटी अपना परिवार संभालिए, मैं अपने बच्चे खुद संभालूंगी। यहाँ घर बांटने की नौबत आ गई और ये राजी पता नहीं कहाँ है। फोन लगा के ये सब बताती हूँ उसे। अब भाभी को क्या बोलूं? अगर इन्हें पता चला कि मैं नीति से मिलने आया था तो। नहीं नहीं, परी का नाम ले लेता हूँ। हेलो हेलो राजीव, कहाँ है तू? हाँ भाभी, वो मैं परी को ढूंढने आया था। परी मिल जाएगी, पुलिस उसे ढूंढ रही है ना? तू एक काम कर, प्लीज जल्दी से घर आ जा और मम्मी जी को संभाला के। भाभी अब क्या कर दिया मम्मी ने? वो घर का बंटवारा कर रही है, वकील को बुला रही है, प्लीज जल्दी से आ जा। क्या? अरे प्लीज तू घर जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं जल्दी जल्दी आता हूँ। ओके बाय बाय बाय। आज कुछ नहीं सुना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तेनो तेरा हिस्सा तब मिलेगा जब मेरी बेटी, मेरी बहू
परी वापस आएगी इस घर में और उसके आने के बाद तू उसे एक बहू की तरह रखेगी, उसे बहू के सारे अधिकार देगी, तब तनु तेरा हिस्सा मिलेगा, समझी? परी आए या ना आए, ये मेरे कार का मामला है, वो मेरे कार की बहू है, वो जिंदा है भी या नहीं, वो आएगी भी या नहीं, ये सोच के मैंने अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। अब मैंने आपके साये तले नहीं रहना है और एहसान मैंने नहीं लेना है, इसलिए बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और बात खत्म। जब रिश्ते ही नहीं रहे तो परिवार के टूटने में क्या दिक्कत है, बस एक लकीरी तो खींचनी है ना, आप नहीं खींचेंगी तो मैं खींच देती हूँ, बाजवा हाउस में बंटवारे की लकीर। गुरिंदर, 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 फिर से सोच ले, एक जमीन जायदाद जो है ना वो फिर से खरीदी जा सकती है, पर टूटे हुए रिश्ते नहीं। देख गुरिंदर, असली सुख ना दुख सुख बांटने में, घर बांटने में नहीं, प्लीज गुरिंदर प्लीज। जिन अपनों ने मुझे इस कार से रात को सड़क पे फेंक दिया, नहीं चाहिए मुझे ऐसे अपने। आजकल ना मुसीबत में सिर्फ पैसे जमीन जायदाद ही काम आती है, रिश्तेदार नहीं। मुझे मेरा हिस्सा लेके खुश रहने दीजिए और आप लोग अपने आप में खुश रहिए। रुक जा मम्मी जी,